प्रिय, स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परफेक्ट प्रिंट क्रिएशन में। तो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हमारा वीडियो देख रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैमियो फॉर प्लॉटर के बारे में। अगर आपको भी ब्लैक कॉटन टी शर्ट पे या डार्क टी शर्ट पे प्रिंट करने में कोई भी समस्या आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी एक नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड ब्लैक टी शर्ट का आता है, अगर उस पर आपको भी काम करना है और इजीली खुद से करना है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैमियो फॉर प्लॉटर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें हम विनाइल कटिंग कर सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन कटिंग कर सकते हैं, डार्क टी शर्ट कर सकते हैं। मल्टी कलर में जो है विनाइल प्रिंटिंग होता है, जिसको हम डीटीएफ प्रिंटिंग बोलते हैं। तो आप डीटीएफ के जगह इसको डायरेक्ट डार्क शीट आता है, लाइट शीट आता है। मल्टी कलर प्रिंट के लिए आप डार्क शीट, लाइट शीट को भी इसमें कट कर सकते हैं। तो आइए हम इसका अनबॉक्सिंग देखते हैं, इसमें क्या क्या इसके साथ अटैचमेंट दिया जाता है, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, इसका पूरा ट्रेनिंग वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये सेलूट कंपनी का कैमियो फॉर प्लॉटर है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या क्या इसके साथ अटैचमेंट आता है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रिंट दिया हुआ है इस पे, कुछ डिटेल्स इसमें लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें इसका एडेप्टर दिया हुआ है, ये एडेप्टर है, और इसमें दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए इसमें ब्लेड दिया हुआ है। इसमें आप फैब्रिक ब्लेड के लिए, ये दोनों है, इसमें आप फैब्रिक ब्लेड भी यूज कर सकते हैं। इसका ये कवर दिया हुआ है, और ये है हमारा ऑटो ब्लेड। दूसरा, ये जो एडेप्टर है ये आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं लैपटॉप से, वो मैं अभी आपको ऑन करके दिखा देता हूँ कैसे क्या लगता है इसमें। ये डाटा केबल है। उसके बाद में ये होता है मैट, ये आप देख सकते हैं, ये मैट है, कटिंग मैट बोलते हैं इसको। ये ऑप्शन में भी दिया जाता है, जब आप इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो ऑप्शन में भी दिया जाता है। तो इसका यूज होता है बेसिकली जब हम छोटा मीडिया काटते हैं, छोटा लोगो वगैरह या छोटा कोई सा भी मीडिया काटते हैं, तो उसके लिए ये मैट यूज होता है। उसके बाद आपको जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है उसके लिए इसमें ये देखिए साइलूट america.com/setup दिया हुआ है। इस पे जाके आप डायरेक्ट इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इसका प्रोसेस मैं बता दूंगा कैसे कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। नाउ हम लोग इसको बाहर निकालते हैं, और इसमें ना सबसे पहले ये टेपिंग हमें रिमूव करना है। इसमें काफी सारे टेप लगे होते हैं, तो ये हमें इजीली रिमूव करना होता है। और सबसे पहले इसको अपर साइड में लेके इसको पीछे की तरफ कर देंगे, और यहां देखिए यहां भी काफी सारा टेपिंग किया हुआ है, इसको हम इजीली रिमूव कर देंगे। यहाँ एक थर्मोकोल होता है, तो ये भी निकालना जरूरी होता है, आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये जो है ना, ये आपका जो 13 इंच का मीडिया होगा तो ये यहां पर एडजस्ट करना पड़ता है। देन इसको जब हम 8 इंच का मीडिया है उससे छोटा करेंगे तो इसको हम नीचे की तरफ डाउन करेंगे, इस लॉक को प्रेस करना है और इसको स्लाइड करना है यहाँ, फिर 8 इंच के लिए लॉक हो जाएगा। तो जैसा हम छोटा मीडिया काटेंगे, और ये रोलर होता है, फिर इसको हम एडजस्ट कर देंगे। तो ये क्या होता है, जब हम विनाइल या कोई भी मटेरियल इसमें लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ये लोड लेगा, लोडिंग और अनलोडिंग के लिए ये लॉक जरूरी होता है। देन उसके बाद आता है ये ट्रे, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये रोलर के लिए है, जब हम रोल लगाएंगे तो ये इसको यहाँ रोल अटैच करते हैं, मीडिया ये ऑटोमेटिक इंसर्ट कर लेता है। ये एरिया ही है 13 इंची के लिए, तो बेसिकली इसका अभी यूज नहीं है, इसको हम बंद कर देते हैं।
और जब हम कभी रोल लगाते हैं तो हमें जब मीडिया कट करना होता है तो उसके लिए हम, ये आप देख सकते हैं यहाँ, इसको नीचे प्रेस करेंगे और ये जो है ये कटर है। जब आप इसको यहां से यहां स्लाइड कर देंगे तो एक मीडियम आपका कट के बाहर हो जाएगा। सेकंड, फिर हमें जब कोई भी साइज कट करना होगा फिर से हम इसको अपर साइड में करेंगे और ये नीचे करने के बाद यहां से यहां कट कर देंगे, देन हम इसको अपर साइड में कर देंगे। तो आपने अनबॉक्सिंग की वीडियो देख ली है और काफी इजी होता है अनबॉक्स करने, इसको काफी ज्यादा इजी प्रोसेस होता है। अब हम इसको कैसे यूज करते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम इसके सॉफ्टवेयर पे अपलोड करते हैं, कटिंग एरिया या विनाइल कैसे कटिंग करते हैं, ये सारा कुछ मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये केबल यहाँ लगेगा, यहाँ हम इसको लगा देंगे और ये डायरेक्ट हम कंप्यूटर या पीसी से लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए है यूएसबी। यहाँ ये स्टार्ट बटन होता है, इसको ऑन करते हैं। ऑन करते ही आपको यहाँ कुछ ये टच डिस्प्ले शो होता है, फिलहाल ये अभी शो नहीं होगा, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तब ये शो होगा। और यहाँ ये है मीडिया लोड करने के लिए, ये है मीडिया अनलोड करने के लिए, ये टच है। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो मीडिया लोड होगा, जो मीडिया होता है वो लोड होगा। ये आप देख सकते हैं इसमें आपको ये 0 to 10 तक यहाँ मार्क लगा हुआ है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर करके मार्क लगाओ इसमें एक, या इसको एडजस्ट करने के लिए यहां से आप इसको जितनी बार प्रेस करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ ये अब 5 पे आ गया है, तो ये ऐसे ही एडजस्ट होगा। लेकिन फिलहाल ये ऑटो ब्लेड है, तो जब हम पीसी से इसको कमांड देंगे तो हम ऑटो सेलेक्ट करेंगे और इसको ऐसे लगाया जाता है, हम इसको यहाँ प्रेस कर देंगे और इसको लॉक करना होता है। ये हमारा ब्लेड लग गया है, जैसे ही कमांड देंगे इसको ये ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा। और ये जो आप देख रहे हैं कुछ हमारे पास ये ब्लेड का जो इंस्ट्रूमेंट है, ये बेसिकली जब हम फैब्रिक ब्लेड यूज करते हैं या कोई अदर मीडियम का ब्लेड यूज करते हैं, इसमें काफी सारा ब्लेड लगता है, तो हम इसको, और इस पर नंबरिंग किया हुआ है कि एक नंबर लगेगा, एक नंबर लगेगा, ये सारा कुछ इसमें नंबरिंग किया हुआ है। एक नंबर ब्लेड है, दो नंबर के लिए अगर कोई ब्लेड आता है तो उसके लिए अलग से ये दिया हुआ है कि आप इसमें लगा सकते हैं। और ये फैब्रिक ऐसे इसमें फैब्रिक ब्लेड लॉक हो जाएगा। और ध्यान रखना है ये जो मेटल वाला एरिया है ये प्लेन है, यहां आप देख सकते हैं ये एरिया प्लेन है, ये ऐसे लगेगा, इसमें ये ऐसे लगेगा जब हम दूसरा ब्लेड लगाएंगे, फैब्रिक लगाएंगे। तो ये लोड कैसे करते हैं, ये देखिए, ये हमने यहां इसको रख दिया और ये जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे ये मीडिया लोड हो जाएगा। फिर हम इसको अनलोड करना है, ये प्रेस करेंगे, मीडिया हमारा अनलोड हो गया। ये मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ना तो दो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा। ये इसका प्रोसेसर है और ये स्टूडियो है जहाँ से हम कटिंग वगैरह करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसमें कटिंग करना आपको दिखाता हूँ, कैसे इसमें मीडिया सेट करना है, कैसे क्या सेट करना है। यहाँ आप देखिए यहाँ मशीन का सेटअप मांग रहा है, तो हमें यहाँ कैमियो फोर नहीं कैमियो प्लस सेलेक्ट करना है। यहाँ ये ऑटो रहेगा, फीड टाइप जो है ऑटो मैनुअल रखना है। कटिंग मैट हम अभी यूज नहीं करेंगे तो हमें नन रखना है। जब हम कटिंग मैट यूज करेंगे तो यहाँ पर ये कैमियो प्लस ये ऐड कर देंगे इसमें, अभी हम इसको नन रखते हैं, कटिंग मैट नहीं ले रखे हैं। फिर यहाँ से ये साइज, मैंने 8x12 का साइज लिया है, यहाँ आप कस्टम भी कर सकते हैं, यहाँ मैंने मीडिया साइज कस्टम करा हुआ, आप ऑटो साइज भी ले सकते हैं, फिलहाल मैंने कस्टम कर रखा है और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये मैं 8x12 ले रहा हूँ, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इसको इंच, और यहाँ से भी कर सकते हैं, ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने 8x12 इंच का लिया है। यहाँ इसको हमें पोर्ट्रेट करना है, ये लैंडस्केप मोड है, यहाँ ये इस एरिया में दिखेगा, ऐसे हमने जो हमारा प्लॉटर का एरिया है उस हिसाब से हमने कर लिया है। नाउ अब हम इसको यहाँ से कुछ लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ मैं अपने कंपनी का लोगो लगा रहा हूँ, परफेक्ट। क्रिएशन, इसको हमें सेंटर में रखना,
इसको हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं मीडिया के अकॉर्डिंग, हमें कहाँ रखना है इसको, सेंटर में रखना है, सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे, ये हो गया। अब इसके ऊपर हम बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं कि इस बॉर्डर एरिया में ये कटिंग करेगा, ठीक है। यहाँ से आप कोई सा भी बॉर्डर ले सकते हैं, काफ़ी ऑप्शन देता है। यहाँ रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसके बाद में रेक्टेंगल विथ कॉर्नर दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, पेंटागन दिया हुआ है, तो कोई सा भी सर्कल। अभी मैं रेक्टेंगल सर्कल ले रहा हूँ और इसको मैं इस सर्कल में एडजस्ट कर रहा हूँ, हो गया ये सर्कल, ये हमने इसको एडजस्ट कर लिया, परफेक्ट प्रिंट क्रिएशन टाइप किया हुआ है। अब इसको हम कटिंग करने के लिए इसको मिरर करना है, तो यहाँ हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ फ्लिप हॉरिजॉन्टली पे क्लिक कर देंगे, ये आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टली क्लिक हो गया। देन इसके बाद हमें सेंड के ऑप्शन पे जाना होगा, सेंड पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए सबसे पहले ये मीडिया सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हमें क्या चीज़ कटिंग करना है, तो बेसिकली हम अभी विनाइल कटिंग कर रहे हैं, ग्लोसी विनाइल, तो यहाँ विनाइल ग्लोसी पे क्लिक करना है। यहाँ ऑप्शन देता है कट का, ये हमने कट सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये डिटेक्टिंग टूल्स, हमें ऑटो ब्लेड पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक जो ब्लेड का साइज होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। स्पीड हमने 5 पे रखा हुआ है, ये फोर्स 10 पे है, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक, ये देखिए ब्लेड डेप्थ 1 दिखा रहा है, यहाँ ऑटो पे हमने सेलेक्ट कर दिया। देन इसके बाद हम अब इसको हम सेंड क्लिक कर देंगे। यहाँ पहले एक एरर शो हो रहा था, वो एक्चुअली हुआ क्या था, जब हम फर्स्ट टाइम लोड करते हैं ना इसको, तो हमें यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन देता है, जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन देता है, 5 मिनट लेता है वो, 5 से 3 से 4 मिनट में ये अपडेट हो जाता है। नाउ अब हम सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऑटो कमांड हमने दे दिया इसको, मीडिया नोट डिटेक्टर। ये आप देख सकते हैं कटिंग स्टार्ट हो चुका है, कटिंग हो चुका है। इसको पील अप ऐसे करते हैं, एक कॉर्नर पकड़ के इजीली इसको रिमूव करना है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे लेटर जो है ना वो साथ में भी उखड़ सकते हैं, इसीलिए इसको इजीली रिमूव करना होता है। ये देखिए ये कटिंग हो चुका है, अब इसमें से ये छोटे छोटे ये भी मैं पील अप कर देता हूँ और इसको एक बार प्रेस करके दिखा दूंगा हीट प्रेस पे कैसे इसको प्रेस करना होता है। ये हम इसको विनाइल को पेस्ट करने के लिए 15x15 का मशीन यूज कर रहे हैं, जिसमें टेम्परेचर हमने 220 और टाइम 7 सेकंड रखा है। हेलो, और ये डार्क 100% कॉटन टी शर्ट है, इस पर ऑलरेडी प्रिंट हो रखा है। फिलहाल मैं आपको एक सैम्पलिंग के लिए दिखा रहा हूँ कैसे इसको प्रिंट करते हैं। इसको एक बार प्रेस करके इसका रिंकल्स हटा देना है, को हम ऐसे इस पर रख देंगे और ऊपर से ये टेफ्लोन रख के इसको प्रेस कर देंगे। हेलो, सिर्फ 7 सेकंड में ये प्रेस हो जाएगा। इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको रिमूव करते हैं, जब ये ठंडा हो जाए तो इजीली रिमूव हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं हमने इसको इस पे पेस्ट कर दिया है, अब आप देख सकते हैं ब्लैक टी शर्ट पे कितना बढ़िया, और हमारे पास कोरियन विनाइल होता है, पीयू कोरियन, इसकी स्ट्रेच क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया स्ट्रेच क्वालिटी है इसकी, ये देखिए। अब जितने भी हमारे दर्शक हैं जिनको भी कॉटन या डार्क कलर के फैब्रिक पे करने में जरा से भी प्रॉब्लम आती है, आपको एक नीचे नंबर शो हो रहा होगा, आप डायरेक्ट उन पे उस नंबर पे जाइए, डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आप अपने नेम एड्रेस और रिक्वायरमेंट के साथ हमें मैसेज करेंगे तो आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। बेसिकली होता है क्या, आप पहले हाय हेलो का मैसेज करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम आपका भी चला जाता है और मेरा भी, आप प्रॉपर एक अपना नाम एड्रेस और रिक्वायरमेंट के साथ हमें मैसेज कीजिए, हम बेटर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू।